हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो दोस्तों, आपने जो थंबनेल देखा है और टाइटल देखा है वो 101% सही है। और मेरा कैमरामैन है भाई, इसके हाथ मतलब ठंड बहुत ज़्यादा तो शेक कर रहा है, तो बेयर करना इस बात को। तो सीरियस टॉपिक है भाई, आप सबको पता है कि हमारा थोर आज से ढाई तीन महीने पहले वो नहीं रहा इस दुनिया में। पर उस टाइम आप सबको पता था मतलब कितना बुरा हाल होया हुआ था, बुरा हाल आज भी हुआ हुआ है मेरे साथ। देखो कि मैं इंडिया से यहाँ आया हूँ लंदन, और लंदन आते ही 10-15 दिन हुए होंगे। और उसके बाद यार मतलब मेरे से दूर था वो, फिर मेरे हाथों से चला गया। मम्मी पापा का क्या हाल था आपको पता ही है, मम्मी का, खासकर मम्मी का। पापा को स्ट्रोंग होना पड़ा भाई, पापा भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, थे भी, स्ट्रॉन्ग होना पड़ा क्योंकि पापा को ही संभालना था, मानू को भी मम्मी को भी। तो मम्मी का बुरा हाल था। बट भाई 4-5 दिन बाद हमें उम्मीद हुई कि भाई जब थोर का एक लास्ट लीटर था, लास्ट फीमेल के साथ मेटिंग हुई थी, एक ही मेटिंग कराई थी हमने, मैंने ही करवाई थी। और फिर मुझे उम्मीद हुई कि पापा को बताया मैंने कि पापा शायद कि हमारे उधर बच्चे होंगे, थोर का लीटर है, फीमेल पहली बार ही बच्चे देगी, अच्छी फीमेल है, और थोर के साथ मैंने मेटिंग कराई थी उसकी। और तो तब हमें उम्मीद जागी कि भाई भगवान बच्चे कर दे वहाँ पे और हमारा थोर वापस आ जाए। तो तब से फिर मैंने मम्मी को बताया, पापा ने मम्मी को बताया, मम्मी के भी थोड़ी सी मतलब यू होप होती है ना, होप वो हुई थोड़ी सी। और मम्मी ने उसी दिन हमारे गाँव में, हम बाबा नागा जी को मानते हैं, तो वहाँ मंदिर गए और उन्होंने वहाँ जाके अरदास करी भाई, और मतलब पूजा करी। और उन्होंने यार बस मैं नहीं बता सकता, बस पूरा दिन रात वो सिर्फ मंदिर में जाके पूजा करते रहते थे कि भाई प्लीज़ वो बच्चे हो जाए। और फिर वो भाई भगवान ने सुन ली, जिस दिन बच्चे हुए उस दिन फिर मम्मी और पहले गए गाँव में मंदिर में, वहाँ थैंक यू करके आए भगवान जी को। और उसके बाद वहां से फिर नजर का धागा लेके आए कि नजर ना लगे हमारे बच्चों के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज आपको एक अपडेट देनी थी। अपडेट ये है कि अभी पिछले एक महीने से सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा था थोर के जाने के बाद, लेकिन अभी इसमें खुशी की किरण ये है कि थोर का लीटर आ गया, आज ही आया है, आज 2 तारीख है, आज लीटर आ गया। और अभी हम उसके बच्चों के पास जा रहे हैं एक बारी उनको देखने के लिए, और ये मोहतरमा मेरे साथ बैठी है, और आज इसके चेहरे पे आज मैंने थोड़ी सी खुशी देखी है कि, और वो भी इस बात पे कि चलो, ये उस दिन से बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपसेट थी, अब थोर के बच्चे आगे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको इसके दिल में ये शांति हुई है कि चलो, जिसको ये इतना प्यार करती थी अब उसी के रूप में इसको बच्चा मिल जाएगा। क्यों? हाँ, मेरे को मेरा थोर आगे, मेरे थोर आ गए हैं, और उनमें से मेरा जो मेरा मन होगा, हाँ, एक रखूंगी, दो रखूंगी, हाँ, मैं मेरे पास रखूंगी, वो रखें तो चलो, बिल्कुल थोर की तरह ही परवरिश करूंगी बिल्कुल। और एक और बात, उस बच्चे की हमने यही सोचा कि जब हमारे घर हम लेके आएंगे उसको, जब तक वो दूध पिएगा माँ का तब तक वहीं रहेगा, उसके बाद लेके आऊंगा उस बच्चे को। Day 1 से हम आपको हम सब मिलके देखेंगे उसको, जैसे थोर को हमने थोर की ग्रोथ की थी, उसकी सब मिलके ऐसे ही ग्रोथ करेंगे, ऐसे ही उसको पालेंगे, और वह जर्नी बहुत शानदार रहेगी बिल्कुल। तो एक बारी अभी चलते हैं वहाँ पे, एक बार थोर के बच्चे से मिलता हूँ मैं जाके, और मैं दिखाऊंगा, आपको भी दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं। ये देखो थोर का बच्चा कैसा लग रहा है, बता। मेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सही है, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे की आखिरी निशानी है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो तेरी भगवान ने सुन ही ना देख है,
बहुत प्रार्थना करी मेरे नागा बाबा को कि मेरे को मेरे बच्चे के बच्चे दे दे बस एक महीना हो गया तने रोती ने, अब ये तने देख लिए है, अब ना रोइयो ठीक है। ये थोर के बच्चे ये देखो छह बच्चे है, जिसमें से पांच मेल है एक फीमेल है। और ये मेरे बच्चों का है नजर का दागा, इसमें मेरे बाबा से लेके आए नजर का दागा। और ये देखो आप बच्चे, चलो सही है। तो थोर के बच्चे हो गए भाई, छह बच्चे हुए हैं, सिक्स बच्चे हुए हैं, पांच मेल एक फीमेल। अब फिर उसके बाद 20 दिन बाद की वीडियो है। लाजी लाजी देखो, जो जैसे वो दिखाता है ना सुमित, लो भाई देखो ये है बच्चे हमारे 20 दिन के, ये छोटे छोटे थोर, प्यारे प्यारे थोर, एक थोरी है और पांच थोर। पांच थोर है ना, तू पांच भाइयों की एक बहन। हाँ, पांच भाइयों के एक बहन है। ये पांच भाई है और ये धागा बना हुआ हमारे नजर का धागा है मेरे सारे बच्चों का। ये पैदा होते ही हमने हमारे बच्चों को नजर का धागा बांध दिया था कि किसी की मेरे बच्चों को बुरी। सारा दिन खेलते हैं, घूमते हैं, खाते पीते रहते हैं। आज बिट्टू ये देखो 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 भौकन लग रहा दिखाया अपना रूप, ये देखो। उसके बाद फिर हम 40 डेज की वीडियो है। ये 40 दिन के बच्चे हो गए भाई थोर के, और सुमित बताएगा इनकी प्रोग्रेस कैसे करी है, सुमित ने इनकी ग्रोथ कैसे करी है। आप लोग देखो बच्चे को, 40 दिन का हो गया, पपी डिपी लग गई है, फेस देखो, बोन साइज देखो और बच्चे का एंगुलेशन देखो ठीक है, और KCI सर्टिफाइड है ये सभी बेबीज ठीक है। इनका फादर थोर है, इनकी मदर जूली है ठीक है, जो कि अच्छी नॉन पेडिग्री लाइन से है। सभी बंदों को साथ के साथ KCI पेपर प्रोवाइड करने की कोशिश है और वैक्सीनेशन कार्ड हैंड टू हैंड मिलेगा। और भैया देखो जिस तरह से थोर का टेम्परामेंट था, थोर का स्वभाव था, कितना कूल नेचर का था, और हमने उसको डे वन से इस तरह से हमने उसको पाला था, इस तरह से हमने उसको तैयार किया था कि जैसे रोटवाइलर के मामले में कुछ लोग ये सोचते थे कि भाई अग्रेशन है इसके अंदर रोटवाइलर में ब्रीड में, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। फिर मैं दोबारा यही बात दोहराऊंगा कि रोटवाइलर ब्रीड हो या कोई भी ब्रीड हो, अग्रेशन किसी में भी नहीं होता या सब में होता है। आप उसको कैसे रखते हो, आप उसको कैसे अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करते हो, सारी बात उसके ऊपर डिपेंड करती है। और थोर आपके पास एक एग्जाम्पल था, सभी ने आपको देखा है, सवा दो साल की उसकी जर्नी थी लाइफ की कि वो कितना ज़्यादा मिलनसार और कितना ज़्यादा अच्छा बच्चा था। तो उस हिसाब से दूसरी बात यही कहूँगा कि थोर के बेबी है, ये थोर के बच्चे हैं, तो बिल्कुल उसी की तरह इनका कूल नेचर रहेगा, लेकिन इनका कूल नेचर रहेगा जो भी इनको भाई लेके जाएगा वो उनको इतनी अच्छी तरह से पालेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, सही रखेंगे, तो बिल्कुल आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे जैसे थोर ने किया था। तो आप देख लो, और 40 दिन के हो चुके हैं, 45 दिन पे हाँ देना फर्स्ट वैक्सीनेशन हो जाएगी, उसके बाद इनको हम देंगे डिलीवर कर देंगे। तो आपने जिस भाई ने भी थोर के बच्चे चाहिए है तो आप स्क्रीन पे पेडोस्टी का नंबर है, आप कॉल करो और हम हमसे बात कर सकते हो और इनके बारे में इनको ले सकते हो आप। तो आप देख लो पूरे हेल्दी बच्चे हैं, सुमित इनकी प्रॉपर देखभाल करने लग रहा है। देखो अगर टेम्परामेंट की आप बात करते हो ना तो वहाँ बात आती है जेनेटिक की टोटली ठीक है। जेनेटिक आप लोगों ने थोर का देखा होगा, शाशा का देखा होगा और भी काफी डॉग्स का देखा है। दूसरी बात रही कि कई डॉग खाने काटने हो जाते हैं भाई, देखो 24 घंटे बांध दे रखोगे तो इंसान भी हो जाएगा। कुत्ता तो चीज ही क्या है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो तो जितना प्यार प्रेम से रखोगे उतना वो नेचर है। और कई लोगों का डाउट होगा कि फादर दिखाओ, फादर की वीडियो दिखाओ, मैटिंग वीडियो विद टाइमिंग सब कुछ है हमारे पास, जिसे देखना हो वो देख सकता। हाँ, और कुछ लोग क्वेश्चन पुट करते हैं भैया हम साउथ में हैं, हम आउट ऑफ यहाँ से हैं, कैसे भेजो। भैया वो सब हमारा प्रोसेस होता है, उसमें कोई इशू नहीं, आप ट्रस्ट करके आइए, आपको बच्चा
मिलेगा और जो दिखाया जाएगा वही। लो जी ये आगे है थोर के बच्चे, टोटल 6 बच्चे हैं जिसमें से 5 मेल है और एक फीमेल है। फीमेल कौन सी है इसमें? इसमें है यही है, ये देखो फीमेल कितनी बेस्ट है, बिल्कुल एकदम से। इसके हेड का शेप देखो आप, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल साइज का हेड है, बड़ा ही प्यारा सा। और हमने तो भैया इन 2.25 सालों में थोर के साथ एक चीज हमने प्रूफ की है कि रोटवीलर बिल्कुल फैमिलियर हो सकते हैं, और फैमिलियर हमने एक एग्जांपल सेट किया है कि रोटवीलर हमारा बिल्कुल फैमिलियर था। ले भाई मेरे एक थोर की जगह 6 थोर हो गए। चलो मस्ती की मस्ती मान ली आज इनके साथ पूरी। आ जाओ ले। ठीक है, सो बात ये है कि हम बच्चा रखेंगे, थोर वापस आ गया है, थोर का जो बच्चा है मतलब कि थोर ही, थोर या थोर की डेथ होने के बाद बच्चे हुए हैं, तो वो थोर उसी रूप में आ गया यार वापस हमारे पास, तो बहुत खुशी हो रही है हद से ज्यादा, और आप सब लोग भी खुश हो जाओ वापस। और अब अभी हमें नहीं पता कि हम एक रखेंगे या 2 रखेंगे, बट वो मम्मी के ऊपर डिसीजन है, मम्मी जैसे कहेगी वैसे ही होगा। उसका नाम क्या रखें आप ये बताओ, मम्मी ने ये कहा था कि थोर का नाम हमेशा जिंदा रहना चाहिए, तो ऐसा नाम बताना जिस नाम के अंदर थोर भी आए, तो कमेंट सेक्शन भर दो। और हाँ दोस्तों, जो बाकी के बच्चे हैं वो हम देंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो कौन लकी फैमिली होगी जो और थोर के जो बच्चे हैं वो लेना पसंद करेगी, वो पेट डाइवर्सिटी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, उनकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। और वही है ना भाई, 2-3 महीने हमारे बहुत ज़्यादा गंदे गए हैं, ये आप सबके गए हैं, हमारे भी गए हैं, और भाई अब वो खुशी वाला टाइम वापस आने लग रहा है। सो ये मेन वीडियो थी, और मुझे पता है भाई कितना दुखी हुए थे हम, आप लोग कितने दुखी हुए थे, बस हद से ज़्यादा दुखी हुए थे जब थोर चला गया था। वो लीजेंड है भाई, उसने जितनी सी उसकी उम्र थी ना भाई 2.5 साल की, उसने इतनी बड़ी चीज करके दिखा दी, इतनी बड़ी चीज साबित कर दी कि सारी दुनिया उनको याद करती है। तो चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और अब तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। हाँ, अगर ये पप्पीज लेने हैं आपको तो आप पेंडोवर्सिटी के नंबर पर कॉल कर सकते हो और वहां से आप ये पप्पीज बुक करा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।